वन कैसे हैं आप सब, आप देख रहे हैं ट्रिपी पहाड़ी। आज इतना टाइम बाद डोल आश्रम जा रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है मेरा। इतना टाइम हो गया था लेकिन अभी तक डोल आश्रम नहीं गया था, तो आज चलते हैं। मेरे साथ हैं दादी लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं और घुमाने ले जाना है मुझे दादी बुआ बुआ मम्मी लोगों को, क्योंकि समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है। तो चलते सीधे डोल आश्रम, देखते हैं क्या है। फर्स्ट टाइम, लेट्स गो सी। वी आर इन मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर के बीच में, और पीछे इतना प्यारा व्यू है। पिकनिक स्पॉट बहुत सही है, एंड आपको मैं पूरा दिखाते रह रहा हूँ। जैसे कि लोग आप देख रहे हो पीछे, ये पूरा हिमालय व्यू है और ये रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में मुक्तेश्वर सामने है और उसके बीच में जो है करेक्ट ये लोकेशन पड़ती है। तो आइए लोकेशन देखते हैं। ये है हमारा ब्यूटीफुल व्यू, बहुत सारे गेस्ट भी आए, फैमिली स्पॉट बहुत अच्छा है। तो इस बार आप जब भी होम स्टे का प्लान करें आप हमारे वहाँ सनराइज होम स्टे का, तो वी विल कुक है, तो हम यहाँ पे कुक पक्का करेंगे और एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट बनाएंगे। कैम तो ले ही लिए मैंने, तो पहला सेटअप यहीं करते हैं चलो, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते सीधे डोल आश्रम को, अभी हम ऑन द वे है, तो थोड़ा सा फोटोज वगैरह क्लिक करा लेते हैं, उसका चलते सीधे। ये देखिए इस प्यारी सी लोकेशन में हमें मिला है ये हर्बल फ्रूट किलमोड़ा। पूरे देख रहे हो आप कितने हो रहे, ज्यादा हो रहे हैं। देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। खट्टा मीठा है ना, खट्टा मीठा। पीछे लोकेशन तो लाजवाब है, मतलब कभी मुक्तेश्वर आना ना आपको तो इस पक्का स्टे करूंगा, बहुत बढ़िया स्पॉट है, शांति। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डोल आश्रम और बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। और वैसे डोल आश्रम के बारे में बताऊं, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। वैसे इसका नाम जो है श्री कल्याणी का हिमालयन देवस्थानम है, लेकिन ये डोल आश्रम जो है ये कन्नर डोल गाँव में स्थित है, इसलिए इसको डोल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। डोल आश्रम बना जो है ये योगा और मेडिटेशन पर्पज के लिए बना है, क्योंकि इस आश्रम का आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ये पूरा डेंस फॉरेस्ट जंगलों के बीच में है। और डोल आश्रम यहाँ पर वैदिक मेथोलॉजी, इसको संस्कृत कहते हैं, संस्कृत का यहाँ पर स्कूल भी है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्पिरिचुअल योगा मेडिटेशन। और चलिए देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा और गेट तो बहुत ज़्यादा सुंदर है जैसा कि आप देख रहे हो अभी, लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ा सा शुभ कर सकते हैं, बट जो मेन मंदिर फोन अलाउड नहीं है, तो देखते हैं जहाँ तक मैं आपको दिखा पाता हूँ। चलते डोल आश्रम। सो फाइनली वी रीच देयर और हम पहुँच गए डोल आश्रम, और बहुत ही सुंदर है। मैंने तो सोचा नहीं था कि ये इतना ब्यूटी आकृति है, और काफी टूरिस्ट है यहाँ पे। और गाइस शिव भगवान है वाकई में काबिल-ए-तारीफ। जय महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है। ये है पूरा मेन द्वार, यहाँ पे आप देखो शिव जी की इतनी बड़ी विशाल काय मूर्ति है, ये एंट्री गेट है। और जो आप सामने जो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे रहने के लिए इसके पहले बुकिंग्स वगैरह करानी पड़ती हैं। अभी मैं थोड़ा पता करके आपको बताऊंगा, वन मंथ पहले इसकी बुकिंग करानी पड़ती है वेबसाइट के थ्रू। और ये आश्रम द्वारा ही यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह की भी सेवा वगैरह दी गई है यहाँ पे प्रॉपर। बहुत ही सुंदर बनाया गया है, मतलब बहुत ही इसकी जो बिल्डिंग्स की जो छोटी छोटी कलाकारी है वो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। दरवाज़ा ही इतना सुंदर है, उसमें यहाँ नव मूर्ति, नौ देवियों की मूर्ति वगैरह सब चीज़ स्थापना करी गई है। तो देखते हैं, अंदर मैं आपको ले तो नहीं जाऊंगा बिकॉज वहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ से मेन एंट्री है गेट की, ये है हमारा कैंटीन एरिया। और सामने आप देख रहे हैं ये गुरुकुल है, यही स्कूल है वो वैदिक मेथोलॉजी का, और ये है मेन मंदिर। तो अभी यहाँ जाते हैं, देखते हैं कैसा दृश्य देखने को मिलता है। और गुरुकुल बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन में है, बहुत छोटे छोटे 6th to 12th तक के बच्चे यहाँ पर संस्कृत सीखते हैं। Yeah.
जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है लोग वेट कर रहे हैं द्वार खुलने का। 2:30 का टाइमिंग है, 3 बजे का टाइमिंग है और हम एग्जैक्ट 2:45 में पहुँचे थे। वी आर लकी कि हमको वेट नहीं करना पड़ा। तो 3 बजे खुलते हैं यहाँ पे द्वार और अभी सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं। और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मेन मंदिर में, डोल आश्रम के मेन मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र है जिसके लिए डोल आश्रम प्रसिद्ध है। और यहाँ पे 500 लोग एक साथ मिलकर मेडिटेशन कर सकते हैं। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था लेकिन हमने लोग अच्छे से दर्शन करे और बहुत ही सुंदर बढ़िया दर्शन हुए। और वन टाइम विजिट है, आपको पक्का विजिट करना चाहिए। और अभी हम जा रहे हैं कैंटीन, देखते हैं यहाँ पे क्या हाल है। बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, वन टाइम आपको आना चाहिए, मन की शांति मिलेगी। और देखिए कितना सुंदर पेड़ है ये। और कैसा लगा आपको मम्मी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। दादी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। दादी कह रही मुझे 15 दिन यहीं रुकना है, तो दादी के लिए 15 दिन यहाँ रुकना है। कैसे उनसे पूछो, कैसे उधर मन भी सुंदर, जब फोन नहीं है दुनिया भी सुंदर, वाह बाल मिठाई भी सुंदर। अरे अब वो खा सकते उसको। अरे वाह यार बुआ, ये बहुत सही चीज ले गया है। आपको यहाँ बुकिंग करानी है तो 1 महीना पहले आपको जो है वेबसाइट के थ्रू आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और अपनी मन की शांति की प्राप्ति पा सकते हैं। तो अभी चलते कैंटीन का क्या सीन है ये देखते हैं। पर हमारा कैंटीन एरिया एंड आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। हमने ऑर्डर करा छोले भटूरे और जोरे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। चलते हैं अब सीधे घर को। बहुत अच्छा दिन रहा, काफ़ी शांति मिली और पेट पूजा भी बहुत बढ़िया करके हुई। टोकन सिस्टम है यहाँ पे, पहले ऑर्डर कर लूँ, रुपए दे दो उसके बाद आएगा, तो सही है, ठीक है। बट बहुत बढ़िया रहा आज का दिन एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि डोल आश्रम पक्का है। सो तब तक लेटे के बाय बाय, शबा क्या गाइस, टेक केयर।